रामचरित मानस महज धर्म ग्रंथी नहीं है, जीवन पथ प्रदर्शनी है जो आदर्श जीवन यापन की कला सिखाता है। दुनिया में ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जो लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के साथ ही जीवन यापन का साधन भी बन जाए। रामचरित मानस लाखों लोगों की रोजी रोजगार का साधन बना हुआ है। यह बातें प्रख्यात कथावाचक संत रमेश भाई शुक्ला ने कही। वे गुरुवार की शाम गोरखपुर जिला के उपनगर बड़हलगंज के बाबा जैलेंद्रनाथ मंदिर प्रांगण में आयोजित अष्ट दिवसीय रामकथा प्रेम उत्सव में श्रद्धालुओं को कथा का रसपान करा रहे थे। उन्होंने कथा का विस्तार करते हुए कहा कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने महाग्रंथ में पात्रों का आदर्श रूप से चित्रण किया है। जैसे कोई सोचे कि पिता कैसा होना चाहिए, इस प्रश्न का तत्काल उत्तर मिल जाता है राजा दशरथ। माता के बारे में सोचने पर कौशल्या का चित्रण सामने आ जाता है। अगर विमाता हो कैकेयी जैसी हो, भाई हो तो भरत और लक्ष्मण जैसा हो। रामचरितमानस में सभी पात्रों का चित्रण उत्कर्ष रूप में है जो मनुष्य का पथ प्रदर्शन करता है, इसलिए रामचरितमानस आदर्श ग्रंथ कहा जाता है। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, राम के अवतार का समय हो रहा है, राम जी आने वाले हैं और हमको राम की सेवा के लिए आना ही दुनिया में है। तो ऐसा करते हैं कि राम की सेवा करना तुमको बेटा चाहिए और हमको राम की सेवा करने के लिए संसार में आना ही आना है। तो ऐसा करते हैं, हमारा ही एक अवतार तुम्हारे द्वारा होगा। महाराज जी खेल आए, उसके तीन डिपार्टमेंट किए, तीन भाग बनाए, तीन दोने बनाए, एक कौशल्या जी को, एक सुमित्रा मैया को, एक कैकेयी जी को। अब कथा आती है भागवत रामायण में कि तीनों माताएं उस खीर के दोने को लिए आंगन में खड़ी दर्शन कर रही थी, देख रही थी। इतने में चील आया और चील आके सुमित्रा जी के हाथ का दोना खींचा, खीर का हिस्सा हो और पंजों में दबा के उड़ता हुआ भागा और कहाँ पहुँचा, गंधमादन पहाड़ पर। पवन देव की ड्यूटी थी, जब चील आए तो उनको छीनना है उससे और छीन के नैना जी को देना है, जिससे हनुमान जी का अवतार होगा। पवन देवता ने चील के पंजों पर मारा झोंका और झोंका मार के वो खीर का दोना उस चील के पंजों से छीना। मिर्जापुर में रतनगंज स्थित गुरुद्वारे में हर्ष उल्लास के साथ सिख धर्म के स्थापना दिवस को मनाया गया। इस अवसर पर जनपद के सिखों ने 318वां स्थापना दिवस मनाया। मिर्जापुर जनपद के सिख समाज के अध्यक्ष गुरविंदर सिंह सरना ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सारे सिख समुदाय मिलकर वैसाखी पर्व को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। सन 1699 को सिख धर्म को खालसा पंथ की हम लोगों ने स्थापना की थी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने, जिसका आज प्रकाश पर स्थापना पर आज हम लोग गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में मना रहे हैं। 318वां स्थापना दिवस है आज। हम लोग सुबह से तीन दिन से कार्यक्रम चल रहा है, पूरी मिर्जापुर पूरे समाज को हम हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। श्री गुरु सिंह सभा मिर्जापुर सचिव, आनंदपुर साहब की धरती पर लगभग 2,00,000 की संगत इकट्ठा हुई, उसमें श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने कहा मुझको आज एक शीश चाहिए। इस तरह करते करते उन्होंने 5 शीश को एक तंबू कनात में ले जाकर अंदर, जब बाहर निकले तो नंगी तलवार में से खून चूता हुआ निकला। तो सभी लोग घबरा गए कि आज जो गुरु जीवन दान देता है, आज जीवन कैसे मांग रहा है। उसी जीवन में से आज खालसा पंथ स्थापना हुई। आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने 5 प्यारों को अमृत पान कराकर खालसा पंथ तैयार किया और सभी सिखों को हुक्म दिया अमृत पान करना जीवन के लिए अति आवश्यक है। जनपद बिजनौर के थाना नहटौर में मामा के घर आई एक 4 वर्षीय बालिका को एक वृद्ध ने अपनी हवस का शिकार बनाने का प्रयास किया। बालिका के शोर सुनकर ग्रामीणों ने बालिका को बचा लिया। पीड़िता के मामा ने आरोपी अयोध्या प्रसाद शर्मा पुत्र मोहनदास के खिलाफ पुलिस को तहरीर दे दी है। शहजाद, मामला यह है कि बच्ची को पकड़ा, इसने बच्चे खेल रहे थे इधर अंदर लिया और इस बदतमीजी कर रहा था इसके साथ, बजमिया भी नीची करी और बच्चों ने जाके बताया कि ऐसे ऐसे पकड़ लिया, आके देखा तो इन्हें पकड़ रखा था बच्ची को। थाना सदाबाद के बेदेई में बीजेपी विधायक सभा सदाबाद की प्रत्याशी रही प्रीति चौधरी जनहित की सभा को संबोधित कर रही थी। कहा कि मैं पराजय जरूर हुई हूं, मगर मैंने हार नहीं मानी है। जनता मुझे आज भी पुकारती और जनता मेरे साथ है। आप देख रहे होंगे सदाबाद से बीजेपी से प्रत्याशी प्रीति चौधरी, अगर जनता इनको 24 घंटे में किसी भी समय बुलाती है तो जनता के साथ जाती है और उनका स्वयं काम करवाती है, भाग दौड़ करती है।
आप देखिए कितना साहस है, जबकि इन्हें पराजय होना पड़ा है। आप देखते रहिए, मैं हूँ सादाबाद से डॉक्टर मोहम्मद अनीब, कैमरामैन असलम खान, देखते रहिए सक्षम न्यूज इंडिया। गुलावड़ी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय शहीद समागम के सामने पाकिस्तानी आर्मी के कोर्ट द्वारा भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के विरोध में पाकिस्तान का झंडा फूंका।